हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का द वेंडर ऑफ स्वीट। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है, इसके तहत आज हम 50 to 55 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वेंडर ऑफ स्वीट से लेकर हम पढ़ने वाले हैं। आर के नारायण की बायोग्राफी मैं पहले ही अपलोड बना चुकी हूँ उसका लेसन, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा वो। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स द वेंडर ऑफ स्वीट के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जैसा कि इसमें मैं आपको बता दूँ मेन पॉइंट्स क्या है, पहले तो देखिए आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है ये, और उनका जो है ये लाइफ स्पान है 1906 से लेकर 2001, और ये एक रीजनल नॉवल है। कौन सा रीजन इसमें बताया गया है, मालगुड़ी करके जो जगह है जो कि इन्होंने अपने खुद से क्रिएट किया है, रियल में ऐसा कोई स्थान नहीं है। आर के नारायण ही ये वर्ड यूज़ करते हैं, मालगुड़ी रीजन एक यूज़ करते हैं अपनी नॉवल में। और मेन इश्यू क्या है इस नॉवल का, जनरेशन गैप दो एक पिता पुत्र के बीच में रहती है, जनरेशन गैप, उनकी सोच में क्या, विचारों में क्या चेंज रहते हैं, कितना अंतर होता है, तो वो सारा इस लेसन में हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, सब क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उसी व्यू से ये सारे तैयार किए गए हैं। हीरो ऑफ द नॉवल है हमारे जगन। जगन इज 60 ईयर्स ओल्ड हैं। इनके बारे में देख लीजिए, विडोअर है ये, एक मेकर है, वेंडर ऑफ स्वीट्स चलाते हैं ये, और ये सब क्वालिटी हो गई जगन के बारे में। तो वेंडर कौन है, जैसे कि हमारे लेसन का नाम है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, तो वेंडर हमारे जगन ही हैं स्वीट्स के, यानी मिठाई की दुकान एक चलाते हैं ये। जगन फॉलोज गांधीयन प्रिंसिपल एंड गीता। एक बार पॉइंट यदि पूछा जाए तो गांधी की फिलॉसफी को, गांधी जी के प्रिंसिपल्स को ये बहुत फॉलो करते थे, और गीता के श्लोक ये पढ़ा करते थे। माली जो कौन है, इनके पुत्र हैं, जगन के बेटे हैं। माली फेल्स टू मेक द ग्रेड एट मालगुड़ी कॉलेज एंड देन ही अनाउंस टू गो अमेरिका टू बिकम अ राइटर। माली फेल हो जाते हैं अपने स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज में, और फिर वो कहता है कि उसे अमेरिका जाना है राइटर बनने के लिए। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, माली के कॉलेज का नेम, माली कहाँ जाना चाहता था, क्या बनना चाहता था, इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आफ्टर 1 or 2 ईयर्स माली रिटर्न्स टू इंडिया, और वो एक दो साल बाद वापस आ जाता है। माली रिटर्न्स विद ग्रेस, ग्रेस के साथ आता है, ग्रेस एक लड़की होती है, उसके साथ वो वापस आ जाता है माली, और अपने पिता से कहता है जगन से कि हाँ हम दोनों ने शादी कर ली है, पर उन्होंने एक्चुअल में नहीं करी थी। ग्रेस कौन है, एक हाफ कोरियन और हाफ अमेरिकन गर्ल है। माली प्लान्स टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट विद अमेरिकन कोलैबोरेशन नोवेल राइटिंग मशीन। अब क्या है, जैसे कि वो वापस आ गए हैं माली, तो अब वो ये चाहता है कि एक राइटिंग मशीन बनाना चाहता है जिससे कि लोग आसानी से लिख सकें, बिना गलती किए टाइप कर सकें, मशीन इस तरह की बनाना चाहता है और उनको बेचना चाहता है। किसके सहयोग से, अमेरिकन कोलैबोरेशन के सहयोग से। तो इन सब के लिए वो जगन से पैसे मांगता है, सीधी सी बात है, जगन जो है कि नहीं हेल्प करना चाहता है। माली आस्क मनी यानी कि कैपिटल पूंजी फॉर दिस एंड टेल हिम दैट अमेरिकन हेल्प अस सेट अप एंड प्लान एंड रन इट फॉर 6 मंथ्स एंड देन क्विट। माली कहता है अपने पिता से कि कैपिटल यानी पूंजी की मांग करता है, और कहता है अमेरिकन हमारी हेल्प करेंगे सेटअप करने में, उसके बाद वो 6 महीने तक इधर काम करेंगे और फिर वो चले जाएंगे। जगन थिंक्स दैट इट इज़ मच बेटर टू वेंड स्वीट्स देन वेंड स्टोरी मेकिंग गैजेट्स। जगन की थिंकिंग क्या है, इतना वो सस्ता है मिठाई की दुकान चलाना, मिठाई बेचना ज़्यादा आसान है यानी कि स्टोरी मेकिंग गैजेट्स यानी कि उस तरह की मशीन बेचने से ज़्यादा। टॉकिंग टू ग्रेस, अब एक बार जगन क्या आता है ग्रेस से बात करके, उसे पता चलता है कि शी इज़ नॉट वाइफ ऑफ माली एंड ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर, यानी कि वो माली की वाइफ नहीं और माली खुद उससे छुटकारा जाना पाना चाहता है। जगन इज़ कन्फ्यूज्ड एट द टाइम एंड मैनस, और बिल्कुल जगन क्या ऐसा होता है, वो बहुत ही रूढ़िवादी होता है, अच्छी सोच का व्यक्ति होता है, तो वो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, ये किस तरह से साथ रह रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, इस तरह से वो सोचता है। व्हेन जगन लर्न्स दैट माली हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द इलीगल पोजीशन ऑफ लिकर ही सेंड द कज़िन टू हेल्प हिम। एक करेक्टर होता है कज़िन, कज़िन का कोई नाम नहीं बताया गया इस नॉवेल में, कज़िन को कज़िन ही बोला जाता है और वो सबके लिए, पूरे शहर के लिए कज़िन ही है और एक अच्छा करेक्टर है सबकी हेल्प करने वाला। तो जगन जो है कज़िन को अपनी सारी दिल की बातें बताया करते थे, तो एक दिन जगन को पता चलता है कि माली इलीगल शराब रखने के कारण पकड़ा गया है, तो वो जगन को कज़िन को भेजते हैं जगन, क्योंकि जगन माली से नाराज़ होते हैं तो वो कज़िन को भेज देते हैं कि जाओ तुम उसको छुड़ा के लेकर आओ। एट द एंड ऑफ स्टोरी जगन इज रेडी टू गिव अप वेंडिंग स्वीट्स एंड रिटायर टू रिट्रीट। एंड में क्या करता है वो, बिल्कुल अपनी जो स्वीट्स की जो दुकान है मिठाई की, छोड़ छाड़ के सब दुनिया से वो एकदम सन्यासी होना चाहता है, तो ऐसा ही वो करता है, और एंड में वो अपनी दुकान कज़िन को सौंप कर सन्यासी हो जाते हैं। बट ही डजंट टू फॉरगेट
टू टेक द चेकबुक विथ हिम, बट जब वो चला जाता है सब छोड़ छाड़ के, पर अपनी चेकबुक अपने साथ ही ले जाता है। कंकर टेस्ट एंड यू विल कंकर द सेल्फ, वो कहता है अपने स्वाद पर कंट्रोल कर लोगे तो अपने ऊपर कर लोगे। ये कौन कहता है? जगन कहता है कज़िन से। कज़िन होते हैं जो कि जगन की दुकान पर रोज़ आना दोपहर में 4:30 बजे 4:30 PM आते हैं, ठीक है, लिसनर होते हैं उसकी सारी बातों के, जगन की दुकान पे आते हैं और उसकी सारी जो भी मिठाई बनी होती है उनको चखते हैं वो। जगन कैरेक्टर क्वालिटीज़, जगन की कैरेक्टर की बहुत ही क्वालिटीज़ हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। जगन इस नॉवल के हीरो हैं, बहुत क्वेश्चन इन्हीं की तरफ से बनेंगे। तो देखिए, गांधी जी के फॉलोवर थे ये, तो ही गिव अप साल्ट शुगर एंड राइस। साल्ट इन्होंने छोड़ दिया था खाना, शुगर खाना छोड़ दी थी और राइस इन्होंने नहीं खाते थे ये। ही वोर अ जिब्बा, जिब्बा एक कुर्ते का नाम है जो कि धोती के साथ ये पहना करते थे। दैट खादी स्पन बाय हिमसेल्फ, और जिस खादी से वो बनता था वो खुद ही उसे बुनते थे उस खादी को, और बचा हुआ जो धागा होता था वो पास की ही एंडलूम की कंपनी में दे आते थे। ही नेवर हैड मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स एट अ टाइम, उसके पास कभी 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं थे। कॉम्बिनेशन है ये ट्रेडिशन एंड कंटेम्प्रेरिटी का। कौन? जगन। जगन यूज्ड सैंडल मेड ऑफ द लेदर ऑफ एन एनिमल विच हैड डेड ऑफ ओल्ड एज। देखिए, लेदर की सैंडल तो यूज़ करते थे, पर एक ऐसे एनिमल्स के चमड़े से बनी हो जो कि अपनी ही मौत मरा हो, उसको मारकर ना वो चमड़ा यूज़ किया गया हो। जगन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इन हिज ड्रेस एंड हैबिट ही वॉज फॉलोअर ऑफ गांधी, जगन के बारे में ही चल रहा है भैया। अपोज टू द यूज़ ऑफ टूथब्रश का ये यूज़ करने के लिए अपोज करते थे और कहते थे कि वो जानवरों के बालों से बनाया जाता है, और प्लस वो ये भी कहते थे कि नीम बहुत ही यूज़ करना चाहिए, नीम अमृत के समान है। तो ये सारे बात आएंगे, कौन से पेड़ को उन्होंने अमृत के समान बताया, क्या क्या वो अपोज करते थे, क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया था खाना, सॉल्ट शुगर राइस, ये सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जगन स्वीट शॉप, जैसा कि वो वेंडर ऑफ द स्वीट्स है ना, तो अब स्वीट शॉप की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या है देखिए, बनते हैं पॉइंट हमारे। जगन हैड 4 कुक, फ्रंट स्टॉल बॉय, और उनके पास 4 कुक थे। हेड कुक का नाम था शिवराम, और एक फ्रंट में जो बॉय है जो सारी मिठाइयाँ बेचेगा, पैक करके देगा, एक बॉय वो था। और ही हैड एम्प्लॉयड अ वॉचमैन, एक वॉचमैन भी उन्होंने रख रखा था, अ खाकी क्लैड एक्स आर्मी मैन, एक आर्मी मैन थे वो। जगन कॉल्ड हिम इज वॉचमैन कैप्टन, और वो अपने वॉचमैन को कैप्टन कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, और जिस सीट पे जगन बैठते थे अपनी दुकान में, वो जो चेयर थी वो कैसी थी, उन्होंने कहाँ से ली थी? जगन चेयर वॉज गॉट फॉर मिस्टर नोबल एन इंग्लिश मैन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मिस्टर नोबल थे, अंग्रेज थे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उस शहर के, उनकी चेयर पुरानी वो उसने खरीद ली थी और अपने दुकान में रखी थी और उस पर वो बैठा करता था। व्हेन द स्वीट्स वर बीइंग कुक्ड, सबसे पहले जब स्वीट्स रेडी हो जाती थी, ही रीड द वर्सेस फ्रॉम द गीता। जब तक स्वीट्स बनती थी, पूरा काम चलता रहता था एंड शुरू से लेकर एंड तक, जब तक स्वीट्स बन रही हैं, तैयार कर रहे हैं उसको, तब तक वो गीता के श्लोक पढ़ता रहता था दुकान में बैठ कर। जगन आस्ड हिज वॉचमैन नॉट अलाउ एनी बेगर एट द शॉप एक्सेप्ट ऑन फ्राइडे, उसने अपने वॉचमैन कैप्टन से बोल रखा था कि किसी भी भिखारी को ना आने दे, सिर्फ फ्राइडे के दिन आने दे, उसके अलावा और किसी दिन भी नहीं आने दे दुकान के पास। जगन कंसीडर द कैश रिसीव्ड आफ्टर 6 PM एंड द कैश विच ही यूज टू टेक होम टू अवॉइड टैक्स। देखिए, वो 6 PM के बाद, 6 बजे के बाद जो भी कैश आता था उसकी दुकान में, तो वो उसको कहता था, फ्री कैश मानता था उसे, ठीक है। और ऐसा एंड द कैश विच ही यूज़ टू टेक होम, और वो ऐसा पैसा जो घर ले जाता था वो सबको फ्री कैश मानता था, और किस लिए? अवॉइड टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। इसीलिए उसने 2 अपनी बुक भी बना रखी थी, जो बैंक बुक होती हैं 2 बना रखी थी। जगन्स बुक नेचर केयर एंड नेचर डाइट, नेचर क्योर एंड नेचर डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक का नाम, कि जगन की ये बुक थी और छपने के लिए डली थी कई सालों से। कहाँ पर? नटराज करके एक व्यक्ति हैं, उनकी जो पब्लिशिंग प्रेस है द ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर डली थी फॉर मैनी ईयर्स, कई समय से। और वो वेट कर रहा था कि वो छप जाए, और आए दिन वो जब भी निकलता था पूछ रहता था मेरी बुक छपी कि नहीं छपी। जगन की वाइफ का देख लीजिए कैरेक्टर, ऐसे तो सीधा दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर जगन एंड में अपनी वाइफ के साथ, जैसे उनकी शादी हुई थी, कब वो पहली बार उन्हें देखने गए थे, कौन से गाँव गए थे, वो सारा का सारा रिमाइंड करता है, मेमोरीज को याद करता है। लेकिन इसमें जगन की वाइफ का नाम है अंबिका, जो कि ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल मेडिकल केयर बाय डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर कृष्णा ने उनकी बहुत मेडिकल केयर करी, बट वो फिर भी ना बच पाई मेडिकल
केयर के बावजूद ब्रेन ट्यूमर उन्हें हो गया था, अंबिका नाम है उनका। माली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ मशीन फैक्ट्री, माली चाहता था कि मशीन फैक्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, अपने पिता से वो मांगता भी है। जगन डिसाइडेड टू लीव हिज बिजनेस बिकॉज चिन्ना दोराई चेंज हिज माइंड। अब ये सीधे पॉइंट बनेंगे हमारे कि क्या होता है, जगन जैसा कि एंड में बिल्कुल सन्यासी हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के त्याग कर चले जाते हैं, तो उनका माइंड कौन चेंज करता है? चिन्ना दोराई जो होते हैं वो उनका माइंड चेंज करते हैं। ये भी कैरेक्टर है जिनसे जगन मिलते हैं, तो इन सब के इनके कहने पर वो अपना बिजनेस छोड़ देता है। जगन लर्न मेकिंग स्वीट इन जेल, जगन ने स्वीट बनाना कहाँ सीखी थी? जेल में सीखी थी। बहन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। चंद्रकला जो उनकी एक मिठाई थी, चंद्रकला मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस थी, जिसकी वजह से जगन जो है अपने शहर में बहुत फेमस थे। उनकी दुकान की चंद्रकला नामक मिठाई सबसे ज़्यादा फेमस थी। ऑल द रिलेशन ऑफ जगन हैड ऑस्ट्रसाइज्ड हिम, बहिष्कृत हो जाते हैं सारे रिलेशन उसके, बिकॉज ही हैड अ क्रिश्चियन गर्ल एज हिज डॉटर इन लॉ, क्योंकि उसकी जो बहू है वो क्रिश्चियन है, ग्रेस जिसकी बात चल रही है। 5,000 रुपये जो थे जगन के पिता ने जगन की शादी में डाउरी में डिमांड करी थी। यू आर माई सेवियर, ये लाइन बोली गई है कजिन के द्वारा। इक्वानिमिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग एल्स इन लाइफ, ये जगन के द्वारा बोली गई है। ग्रेस यूज टू एड्रेस माली एज मो, ग्रेस माली को मो कहकर पुकारती थी और माली ग्रेस को हनी कहकर पुकारते थे। डाइट हैज़ अ लॉट टू डू विद द कलर ऑफ वंस हेयर, ये कहते हैं जगन टू चिन्ना दोराई, चिन्ना दोराई से लाइन बोली है जगन ने डाइट के बारे में। मनी इज एन ईविल सेड बाय जगन, मनी क्या है? ईविल है, जगन के द्वारा ये लाइन बोली गई है। अवर मर्चेंट्स आर बिकमिंग हेटलेस सेड बाय जगन, जगन इज द सिंबल ऑफ गुड, कजिन इज द सिंबल ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी एंड माली इज द सिंबल ऑफ ईविल। एट द एंड ऑफ द नॉवेल जगन गोज टू रिट्रीट ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर, सबसे एंड में वो रिवर के अदर साइड चला जाता है, एक तरह से वो सन्यासी हो जाता है। आई नो द प्लेस इट इज़ वेरी डर्टी, इस के बारे में जेल के बारे में बोला गया है, जो मालगुड़ी में जो जेल है, मालगुड़ी शहर में टाउन में, उसके बारे में ये कही गई है बात। आई डोंट अक्यूमुलेस इट जस्ट ग्रोस नेचुरली सेड बाय जगन टू कजिन, आई लाइक टू वर्क वट एल्स आई बी डूइंग ऑल डे, ये ग्रेस ने कही। जब ग्रेस आ जाती है माली के साथ अमेरिका से, तो जगन के घर में रहती है, तो वो सारा काम करती है जो घर का होता है, तो जगन उसे मना करते हैं, तो ये वो बात बोलती है कि मुझे सब करना पसंद है। ओ ग्रेस यू मस्ट नॉट, आई एम नॉट यूज टू इट, ये भी जगन ने कही उसके लिए कि सब करती है वो उनके लिए। ओ ऑन चिन्ना दोराइज एडवाइस, जगन एंटर द वानप्रस्थ आश्रम, दो तरह से क्वेश्चन बन रहा है। चिन्ना दोराई ने उनको सलाह दी थी वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए कि भाई सन्यासी बन जाओ, और चिन्ना दोराई के कहने पर उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था। भाई वानप्रस्थ आश्रम जाना है तो बिजनेस तो छोड़ेंगे ही, तो इसीलिए उसने वो अपनी मिठाई की दुकान कजिन को सौंप दी थी। जगन हैंड ओवर इज शॉप इन डायन टू द कजिन, जगन वॉन्ट वेंट टू द टेम्पल ऑफ संत कृष्ण, संतन कृष्ण का टेम्पल है, वहाँ जाते हैं। कब? माली के जन्म से पहले, माली के जन्म की विश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं वो संतन कृष्ण नामक टेम्पल पे, जो टेम्पल है बद्री हिल पे, ठीक है। और कौन लेके जाता है उन्हें? माली के, सॉरी, जगन के पिता लेके जाते हैं। जगन वाज सेल एक्सेस यार्न टू लोकल हैंडलूम कमिटीज, जब वो यार्न यानी कि जो धागा था, जो वो खादी बनाते थे, उसी के अपने हाथ के बने खादी के कपड़े वो पहनते थे, तो जितनी भी खादी या धागा बच जाता था तो वो जाके हैंडलूम कमेटी को दे आते थे। योर हेडेक हैज़ मेड यू क्रेजी, देखिए उनकी वाइफ जो थी अंबिका, वो मरी थी ब्रेन ट्यूमर से, उनको हेडेक आए दिन होता रहता था, तो जगन ये बात कहता है योर हेडेक हैज़ मेड यू क्रेजी। माली रिफ्यूज टू स्टडी बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड स्टडी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसे स्टडी में, क्योंकि वो राइटर बनना चाहता था। जगन ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी थी? कॉलेज क्योंकि, जगन की बात भी आ जाती है यहाँ, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी हु आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन चला था गांधी जी का, तब जगन ने उसमें भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, तो उन्होंने अपना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। कजिन टेक माली फॉर कन्वर्सेशन अबाउट हिज फ्यूचर प्लान टू आनंद भवन रेस्टोरेंट, आनंद भवन रेस्टोरेंट में, देखिए जो भी पिता पुत्र की जो बात होती है, माली कॉलेज छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है और राइटर बनना चाहता है, बिल्कुल परेशान रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, तो जगन के कहने पर कज़िन माली से बात करता है, डायरेक्ट बात नहीं होती है माली और जगन की स्टार्टिंग में, तो कज़िन उसको वो सब बात करने के लिए लेके जाता है आनंद भवन रेस्टोरेंट। जगन कीप्स टू अकाउंट बुक्स,
दो अकाउंट बुक थिंक टू अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स। जगन कॉल्ड मार्गोसा, मार्गोसा नीम ट्री अमृत, उसने कौन से ट्री को अमृत कहा है, नीम को अमृत कहता था वो। ग्रेस हैड कंपोज ऑल दोस लेटर्स विच माली सेंड टू जगन फ्रॉम अमेरिका। देखिए अमेरिका जब माली चला गया था तो वहाँ से उसको पत्र भेजता था जगन को। जगन बहुत प्राउड फील करता था उस समय जब माली अमेरिका गया था, मेरा बेटा अमेरिका गया है, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, राइटर बनेगा, इस तरह से। तो जगन को माली लेटर भेजता था। तो एंड में जब ग्रेस बताती है, उसको बताती नहीं, हालांकि बता नॉवल में ये जिक्र है कि हाँ भाई वो सारे लेटर ग्रेस ने लिखे थे माली की ओर से जगन को, जब वो लोग अमेरिका में थे। और लेकिन उसके नीचे जो है हस्ताक्षर होते थे, साइन होते थे, वो दोनों के होते थे, जी और एम दोनों लिखा होता था उस लेटर के नीचे। जगन रिकलेक्ट द टाइम ऑफ हिज बैचलरहुड एंड हिज मैरिज विद अंबिका। और एंड में जगन जो है अपनी मैरिज किस तरह से हुई उसकी वाइफ से, हम अंबिका से, और अपने बैचलरहुड की बातें रिकलेक्ट करता है, यादें करता है। अंबिका बिलोंग टू कुप्पन विलेज, कुप्पम विलेज जाता है वो अपनी मैरिज के लिए। फर्स्ट टाइम जो अपनी वाइफ को देखने जाता है अपने बड़े भाई और अपने पिता के साथ, अंबिका को देखने फर्स्ट टाइम। द वेंडर ऑफ स्वीट इज द बायोग्राफी ऑफ अ फिक्शनल कैरेक्टर नेम जगन हु इज स्वीट वेंडर ऑफ मालगुड़ी। देखिए ये बायोग्राफी है जगन की, फिक्शनल कैरेक्टर है ये, कोई ऐसा रियल में नहीं है, और वेंडर है कहाँ पे, मालगुड़ी में। दिस नॉवल पब्लिश इन 1967 बाय वाइकिंग प्रेस US। द नॉवल वॉज प्रोड्यूस इन टू मिठाई वाला, हिंदी में जैसे इसका नाम रखा गया है मिठाई वाला, काहे के लिए, हिंदी टीवी सीरीज जब आई थी टीवी पर, जब इनका ये सीरियल आया था, एज अ सीरियल ये आया था मालगुड़ी डेज जो आता है हमारा, इसको टीवी सीरियल के रूप में मालगुड़ी डेज जो आर के नारायण के आती थी सारी स्टोरीज, तो उसमें ये भी आया था और उसका नाम मिठाई वाला था। जगन की थोड़ा सा ये थर्ड कैरेक्टर का है, कितने 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जगन हीरो है नॉवेल का, फॉलोवर है गांधी जी का अपने यूथ से। माली जगन का बेटा है, ब्लेम इज फादर फॉर इज मदर डेथ, और वो ब्लेम करता है कि भाई आपने ही मेरी, आपकी वजह से मेरी माँ की मृत्यु हुई है। कज़िन हेल्पफुल है जगन के लिए, ग्रेस माली लेकर आया था उसे अपने साथ। अंबिका कौन है, वाइफ ऑफ जगन। फ्रेंड्स द वेंडर ऑफ स्वीट के टोटल 58 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी इस लेसन में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन फ्रेंड्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।